हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं यहाँ पे आपको टिकट बुक करने का तरीका बताने वाला हूँ। बस एक जो टिकट बुक करने का तरीका एक बहुत ही सिंपल है, चलो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चला जाना है और आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में, जो IRCTC रेल की एप्लीकेशन है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता तो इसकी एप्लीकेशन की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। IRCTC की जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक कीजिए, क्लिक जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा ट्रेन टिकट, ट्रेन टिकट पर आपको क्लिक करना है। ट्रेन टिकट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पिन पूछा गया है, अपना एंटर पिन। तो पिन में आपका जो भी आप डाला हो अपना पिन एंटर कीजिए। पिन एंटर करने के बाद लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर लिखा होगा प्लान माइल जर्नी, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा होगा फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो फ्रॉम टू, तो मुझे फ्रॉम मैं सिलेक्ट करूँगा। फ्रॉम यहाँ पे AGC लिखा हुआ है, लेकिन आगरा कैंट लिखा हुआ है, लेकिन मुझे जाना कहीं और से, इसलिए मैं फ्रॉम पर क्लिक करता हूँ। फ्रॉम पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं लिखा हुआ है देखो मथुरा, तो यहाँ पे देखो नीचे आ गया मथुरा जंक्शन। मथुरा जंक्शन पर मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद टू कहाँ तक जाना है, गोधरा, यहाँ पे नीचे आ गया है गोधरा जंक्शन, मुझे गोधरा तक जाना है, वहाँ पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं डेट भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, कौन सी डेट को मुझे जाना है, तो 4 जनवरी 1900 2019 में मुझे जाना है। बस यहाँ पे डन कर लीजिए। डेट को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ MTJ, बगल में लिखा है मथुरा जंक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है GDA, जिस बगल में लिखा है गोधरा जंक्शन। अब यहाँ पे लिखो सर्च ट्रेन का ऑप्शन मिल जाता है, सर्च ट्रेन पर आपको क्लिक करना रहेगा। सर्च ट्रेन पर क्लिक करते इतनी सारी ट्रेनें आ जाएंगी। अब यहाँ पे जो मुझे पहली ट्रेन सर्वोदय एक्सप्रेस जो है ना, मुझे इसी ट्रेन का टिकट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इस पर क्लिक करूँगा। इस पर जैसे क्लिक करूँगा मेरे सामने ऐसा विंडो ओपन होकर आ जाएगी, जिसमें लिखा टू वे थ्री SL। SL का मतलब होता है स्लीपर, थ्री का मतलब होता है थर्ड AC, टू वे का मतलब होता है सेकेंड टू टायर AC। मुझे स्लीपर का टिकट चाहिए, इसलिए मैं स्लीपर पर क्लिक करूँगा। स्लीपर पर क्लिक करते हैं मेरे सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर बता दिया जाएगा कि कितनी सीट अभी तक अवेलेबल है। यहाँ पर देखो 15 सीट अवेलेबल है, इसलिए मैं बुक नाउ पर क्लिक करूँगा। बुक नाउ पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे लिखा होगा सर्वोदय एक्सप्रेस, जिसकी टिकट का भाड़ा ₹425 है। देखो ऐसा लिख के आ गया है, ऐसे का मतलब होता है कि स्लीपर। और यहाँ पे अवेलेबिलिटी अवेलेबल भी बता दिया, 15 टिकट अभी अवेलेबल है। अब रेल वालों ने एक नया ऑप्शन और ऐड किया, यहाँ पे लिखा हो जाएगा डू यू वॉन्ट टू टेक ट्रैवल इंश्योरेंस, मतलब आप ट्रैवल इंश्योरेंस चाहते हो। यहाँ पे सिंपल से पूछा हाँ या ना, मैंने यहाँ पे यस पर क्लिक कर दिया था, मुझे चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ 50 पैसे ही चार्ज लगते हैं। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करते ही आपको बुक टिकट पर क्लिक करना है। जैसे आप बुक टिकट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। नहीं, 1 मिनट, बुक टिकट पर ऑप्शन करना, भाई पैसेंजर की डिटेल भी तो एंटर करनी है हमें। तो यहाँ पे देखो ऐड पैसेंजर लिखा हुआ है, ऐड पैसेंजर पर चले जाइए। ऐड पैसेंजर पर देखो जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ नेम, नेम में अपना नाम डाल दीजिए, एज अपनी डाल दीजिए। यहाँ पे मेल है, फीमेल है, अब मैं मेल हूँ इसलिए मैं मेल पर सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे सिलेक्ट बर्थ प्रेफरेंस, इसमें मैंने कुछ नहीं दिया, मुझे लोअर बर्थ नहीं चाहिए, मिडिल, मुझे कोई भी सीट मिल जाएगी तो भी चलेगा। ओके, उसके बाद डन पर क्लिक करिए। डन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरा आ गया राहुल पटेल, 30 साल की एज, मेल है बस। और यहाँ पे मोबाइल नंबर पहले जो आपने एंटर किया होगा वही आ जाएगा। अपने आप नहीं आता मोबाइल नंबर तो आप अपना एंटर कर दीजिए मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल आप चेक करने के बाद बुक टिकट पर क्लिक करिए। जैसे बुक टिकट पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का ऑप्शन, एक और ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको अपना कैप्चा एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे बताया गया नेट अमाउंट ₹425 है, और यहाँ पे देखो कैप्चा ही आपको एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, किस तरह आप पेमेंट करना चाहते हैं। मैं तो आपको सलाह दूंगा आप IRCTC के ई वॉलेट से ही पेमेंट करें, क्योंकि रिफंड का आप 1-2 घंटे में मिल जाता है। अगर आप किसी और साइट से, आप पेटीएम से, फ़ोनपे से पे करते हैं तो 1 हफ्ता लगा देते हैं रिफंड करने में। तो ई वॉलेट में जाने के बाद मैं IRCTC के वॉलेट से ही पे करूंगा। यहाँ पे देखो पे का ऑप्शन दिख रहा है, पे पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप पे पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर बता देगा IRCTC का यूजर ID, करंट बैलेंस कितना है, टिकट कितना है, और ट्रांजेक्शन चार्ज लोग ₹10 लेते हैं, और कटने के बाद आपके पास कितने पैसे बचेंगे, मेरे ₹1500 बचेंगे, वो मुझे यहाँ पर बता दिया गया है। अब यहाँ पर ट्रांजेक्शन पासवर्ड मांगेगा। ट्रांजेक्शन पासवर्ड वो होता है जब आपने IRCTC पर जब अकाउंट बनाया होता है ना, तब आपको एक ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी क्रिएट किया होता है, आपने आपने खुद ही बनाया होता है ट्रांजेक्शन पासवर्ड। बस वही ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है। ट्रांजेक्शन पासवर्ड
एंटर करते ही आपको एक ओटीपी आ जाएगा अपने फ़ोन पे। वो ओटीपी जैसे आप एंटर करोगे वो अपने अपने आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और आपकी टिकट बुक हो जाएगी तत्काल, कोई भी दिक्कत नहीं।